तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस क्या है, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर। मैं आपको ऑलरेडी पहली थ्योरी इससे पहले वाली वीडियो में एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कवर करवा चुका हूँ, और आज हम टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर उसकी सेकेंड थ्योरी, दैट इज सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, आज ये कवर करेंगे। अगर आज का हम देखें बजट क्या है हमारा, तो आज हम पहले पढ़ेंगे इस थ्योरी के बारे में, फिर इसके पीछे के कॉजेस क्या है, रीजन क्या है वो पढ़ेंगे, और लास्ट में इस थ्योरी के अंदर यील्ड कर्व किस प्रकार बनेगा इसको भी जानेंगे। तो अगर देखें ये सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस क्या है, तो भाई साहब मेरी बात को सुनने का जरा प्रयास करना। देखो, अगर मैं ये बोलूं ये थ्योरी क्या है, तो सबसे पहली लाइन में ये बोलूंगा एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पता आप लोगों को कि एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या है, तो उससे पहली वाली वीडियो आप देखना, आपको मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना हमारी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में मनी और बैंकिंग नाम की एक पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देखना एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ठीक है, या फिर यूट्यूब पर डाल देना एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस बाय प्रथम सिंह, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब जरा सुनो, तो एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कहता है कि शॉर्ट टर्म का बॉन्ड हो या लॉन्ग टर्म का बॉन्ड हो, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दोनों में सेम बेनिफिट मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म का एक साल का बॉन्ड लो, फिर अगेन एक साल का बॉन्ड लो, या फिर आप लॉन्ग टर्म का पूरे दो साल का बॉन्ड लो, आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर लो, बेनिफिट सेम मिलेगा। ये कौन कहता है? जी ये कहता है एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस कहता है कि भाई अगर फर्स्ट ईयर के बॉन्ड की बात कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर की बात करो, फर्स्ट ईयर वाले बॉन्ड को दो साल वाले बॉन्ड से कंपेयर मत करो। सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के अनुसार फर्स्ट ईयर का बॉन्ड अलग रखो, सेकेंड ईयर का बॉन्ड अलग रखो, दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में अगर आपको याद हो, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते थे, कि या तो ये खरीद लो शॉर्ट टर्म वाला या फिर लॉन्ग टर्म वाला, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, एक साल वाला बॉन्ड अलग है, उसकी क्वालिटीज अलग है, उसको अलग रहने दो, और दो साल वाला बॉन्ड अलग है, उसकी क्वालिटीज अलग है, उसको अलग रहने दो। समझ में आ रहा है कि दोनों को मिक्स नहीं करना, इसका बेनिफिट अलग है, उसका बेनिफिट अलग है। अगर मुझे एक साल वाला खरीदना है ना, तो मैं एक साल वाले दो बार खरीदूंगा, एक साल फिर अगेन एक साल, मैं दो साल वाला परचेज नहीं करूंगा। और अगर मेरे को दो साल वाला परचेज करना है, तो मैं कभी भी एक साल वाले बॉन्ड पे नहीं आऊंगी, पहले एक साल फिर एक साल। सेगमेंटेड मार्केट बोलता है कि ये अलग है, अगर दो साल वाला बॉन्ड खरीदना है, दो साल के लिए खरीदना है, तो दो साल वाला ही खरीदो, और अगर एक एक साल के दो खरीदो, एक एक साल के दो खरीदो, ऐसा मत बोलो कि ये और ये सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? इट मीन्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब इसको इससे फर्क नहीं पड़ता और इसको इससे फर्क नहीं पड़ता, जबकि एक्सपेक्टेशन मार्केट एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड थे। अगर मेरे को शॉर्ट टर्म बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड कैलकुलेट कर लेता था, और अगर मेरे को लॉन्ग टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो मैं उसको शॉर्ट टर्म बॉन्ड कैलकुलेट कर लेता था, बिकॉज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड दोनों उस थ्योरी में क्या थे, डिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोलता है कि भैया मार्केट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बोले तो वन ईयर बॉन्ड की मार्केट अलग है, वहाँ पे केवल वन ईयर की बात होगी, और टू ईयर बॉन्ड की मार्केट अलग है, वहाँ पे केवल टू ईयर की बात होगी, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। अगली बात मैं ये बोलूँ, अगर मैं डिफरेंस की वजह से बोलूँ, तो अगली बात ये हो सकती है कि एक्सपेक्टेशन मार्केट हाइपोथेसिस में अगर आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, तो वो आप फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के बेस पे करते थे, कि अगले साल इंटरेस्ट रेट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अगले साल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन होती थी। लेकिन सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा उसके बेस पे कैलकुलेशन नहीं होगी।
अब वो किस प्रकार होगी कैलकुलेशन उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया एक बार आप उसको समझने का प्रयास करो। तो क्या बोलता है, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस बिल्कुल ही अपोजिट है किसका, एक्सपेक्टेशन मार्केट नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस का। आगे बोलता है कि सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस कहता है दैट बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब डिफरेंट मैच्योरिटी मतलब कोई बॉन्ड मान लो 1 साल का और कोई बॉन्ड कैसा है 2 साल का है, तो जब दो अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड है तो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। आगे बोलता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड अलग है लॉन्ग टर्म बॉन्ड अलग है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड के स्थान पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड का यूज या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड के स्थान पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड का यूज आप कर नहीं सकते। ऐसा कहां करते हैं, ऐसा करते हैं एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में। आगे बोलता है इसलिए सेपरेट मार्केट एग्जिस्ट फॉर 1 ईयर बॉन्ड 2 ईयर बॉन्ड एंड सो ऑन, इट मींस क्या 1 ईयर बॉन्ड के लिए अलग मार्केट जहां पे केवल 1 ईयर बॉन्ड की बात होगी, 2 ईयर बॉन्ड के लिए अलग जहां पे केवल 2 ईयर बॉन्ड की बात होगी, 3 ईयर बॉन्ड के लिए अलग जहां पे केवल 3 ईयर बॉन्ड की बात होगी। इट मींस कोई भी बॉन्ड आपस में डिपेंडेंट नहीं है, आपस में संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कपड़ों की मार्केट अलग होती है, सब्जी की मार्केट अलग होती है, तो कपड़े की मार्केट सब्जी की मार्केट में आपस में कोई संबंध नहीं है, कपड़े की मार्केट अलग सब्जी की मार्केट अलग, इसलिए 1 ईयर बॉन्ड की मार्केट अलग, उसको 2 ईयर बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ईयर बॉन्ड की मार्केट अलग, 3 ईयर बॉन्ड की मार्केट अलग। आगे बोलता है यील्ड्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, वो डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पर, ना कि एक्सपेक्टेशन के बेस पे। मार्केट एक्सपेक्टेशन के बेस पे डिपेंड नहीं करता, डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिपेंड करता है। आगे बोलता है एन इंक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ 1 ईयर बॉन्ड, मान लो कि 1 साल का बॉन्ड है, अब 1 साल के बॉन्ड की डिमांड या सप्लाई में कुछ चेंज होता है तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा 2 ईयर बॉन्ड पे या 3 ईयर बॉन्ड पे, बिकॉज 1 ईयर का बॉन्ड अलग है, 2 ईयर का बॉन्ड अलग है, 3 ईयर का बॉन्ड अलग है, तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 1 ईयर के बॉन्ड की मार्केट में कुछ चेंज आता है तो 2 ईयर या 3 ईयर के बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि किस प्रकार यहां पे मैं डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। जरा यहां पे देखते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अब जरा मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करना। बेटा यहां पे लिखा मैंने फंड, बेटा यहां पे क्या लिखा मैंने फंड, और यहां पे लिखा मैंने इंटरेस्ट रेट। अब जरा समझने की बात करना, जब मैं बात करता हूं डिमांड की तो यहां पे डिमांड कौन करेगा, यहां पे डिमांड कंपनी करेगी, बिकॉज कंपनी को पैसे की नीड है, तो कंपनी पैसे की डिमांड करेगी, कंपनी फंड की डिमांड करेगी। तो याद रखना मैं डिमांड की बात करूँ, डिमांड कौन करेगा, कंपनी। अगर बात करूँ सप्लाई की तो फंड की सप्लाई कौन करेगा, ये फंड की सप्लाई करेगा इन्वेस्टर, मतलब हम लोग तुम लोग। तो यहाँ पे फंड के हम सप्लायर है और कंपनी फंड के कंज्यूमर है, कस्टमर है, कंपनी फंड को डिमांड कर रही है और हम फंड को सप्लाई कर रहे हैं। अब जरा बताओ, मुझे जरा सोच के बताओ कि अगर हम बात करें अपनी इन्वेस्टर की, हम सप्लायर हैं, तो सप्लाई वाले केस में क्या होगा, सप्लाई वाले केस में ये होगा अगर हमको कंपनी इंटरेस्ट देगी ज़्यादा तो ऑब्वियस ही बात है हम फंड की सप्लाई करेंगे ज़्यादा। अगर कंपनी बोलेगी कि आपको 6% के स्थान पे 8% का इंटरेस्ट देंगे तो हम कंपनी को और पैसे देंगे। इट मीन्स अगर बात करें सप्लाई कर्व की तो इंटरेस्ट और फंड में एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे। कंपनी मेरे को बोलेगी आपको 8 के बजाय 10% का इंटरेस्ट देंगे तो मैं कंपनी को और फंड दूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, संबंध पॉजिटिव है। तो आपका सप्लाई कर्व बनेगा ऐसे, सप्लाई कर्व शो कर रहा है जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फंड मिलेगा, और सप्लाई कौन करता है, ये सप्लाई करता है इन्वेस्टर। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा एक इन्वेस्टर उतनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करेगा, सप्लाई कर्व बनेगा ऐसे। अब बात करें डिमांड की तो डिमांड कौन करता है, कंपनी, और कंपनी क्या करेगी, कंपनी करती है उल्टा। अगर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ज़्यादा तो कंपनी फंड की डिमांड करेगी कम,
बिकॉज कंपनी का लॉस है ना, कंपनी अगर ज़्यादा इंटरेस्ट देगी तो उससे कंपनी का लॉस है। तो अगर कंपनी क्या करती है कि कंपनी अगर इंटरेस्ट कंपनी ये ट्राई करेगी कि यार मैं कम से कम इंटरेस्ट पे करूँ, और अगर कंपनी बाई चांस इंटरेस्ट को बढ़ाती है तो ज़्यादा फंड नहीं लेगी, बिकॉज उसमें कंपनी का लॉस है कि ज़्यादा फंड भी ले लिया, अब इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो तो कंपनी का लॉस है। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी फंड की डिमांड कम करेगी, बिकॉज इंटरेस्ट बढ़ रहा है, थोड़ा फंड कम ही मांगो, वरना बहुत सारा पैसा पे करना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो थोड़ा कंपनी फंड जनता से कम ही मांगेगी, समय में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कंपनी फंड कम मांग रही है, क्योंकि कंपनी को फिर बाद में पे भी तो करना है। तो यहाँ पे संबंध कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे संबंध बच्चों कैसा है, नेगेटिव। इट मीन्स अगर डिमांड की बात करूं तो डिमांड वाले केस में क्या है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी फंड की डिमांड कम करेगी, बिकॉज अगर इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो कंपनी को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी स्टार्टिंग से कम कि भैया हमें कम चाहिए पैसा, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट ज़्यादा है, हमको फिर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट और फंड के बीच की बात करूँ तो यहाँ पे संबंध आ रहा है नेगेटिव, और अगर संबंध आ रहा है नेगेटिव तो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व बच्चों बनेगा ऐसे। तो कंपनी का डिमांड कर्व बनेगा ऐसे, इन्वेस्टर का सप्लाई कर्व बनेगा ऐसे, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों उसको बोलूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे जो भी होगा इंटरेस्ट रेट उसको माना जाएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो भी आएगा फंड कि मान लो Q1 फंड, फॉर एग्जांपल मान लो 2 लाख रुपए Q1 है, कुछ भी मान लो फंड है, अमाउंट है, मान लो 2 लाख रुपए हम किस पर डिमांड सप्लाई हो रही है, मान लो 4% पे हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट 4% और उस पर फंड कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए का फंड मिल रहा है। तो इस प्रकार से डिमांड और सप्लाई के बेस पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट को या फिर यील्ड को डिटरमाइन किया जाता है। होपफुली ये डिमांड कर्व नेगेटिव क्यों बना, सप्लाई कर्व पॉजिटिव क्यों बना, ये बात पल्ले पड़ गई होगी। बस याद रखना डिमांड कर्व कंपनी बनाती है और सप्लाई कर्व यहाँ पे कौन बनाएगा, इन्वेस्टर बनाएगा, और ऐसे कट करेंगे। चलो अगर ये समझ में आ गया तो आइए अब मैं यहाँ पे आपको अलग अलग डिमांड और सप्लाई कर्व बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जरा समझने का प्रयास करना। चलो देखो भाई, अब बात कर रहा हूं मैं 1 ईयर बॉन्ड मार्केट की, मतलब मैं एस मार्केट की बात कर रहा हूं जहां पे केवल एक एक साल के बॉन्ड मिलते हैं। तो चलो मान लो ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, सप्लाई कर्व, और ये बच्चों क्या आ गया आपका, इक्विलिब्रियम, और यहां पर मान लो ये लिखा मैंने Q1, ये आपका 0 है, ये आपका X है, यहाँ पे आपका Y है, या एक अलग क्वांटिटी ऑफ फंड की, फंड की मात्रा Q1 है, और इंटरेस्ट बेटा मान लो कितना है, 4%, कितना है बच्चों, 4%। इसका मतलब क्या है कि 1 ईयर बॉन्ड मार्केट में 4% के बॉन्ड सेल किए जा रहे हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, मान लो 4% मिल रहा है। अब ऐसे ही बात, मान लो 2 ईयर बॉन्ड का, तो मान लो 2 ईयर की बात करूं तो मान लो 2 ईयर का ये रहा डिमांड कर्व और ये रहा सप्लाई कर्व, बच्चों ये रहा इक्विलिब्रियम, ये आपका बेटा Q1 आ गया, और मान लो 2 ईयर मार्केट में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, जी 2 ईयर मार्केट में इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा मान लो 5%, ठीक है। अब बात करता हूं 3 ईयर मार्केट की, अगेन आपका डिमांड कर्व और ये बेटा मान लो क्या आ गया आपका, सप्लाई कर्व। यहाँ पे 3-3 साल के बॉन्ड सेल होते हैं, ये इक्विलिब्रियम फंड है Q1, और बेटा यहाँ कितना मिलना है, मान लो यहाँ मिल रहा है 6%। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 ईयर का बॉन्ड मार्केट है जहाँ पे 4% का बॉन्ड मिल रहा है, 2 ईयर बॉन्ड मार्केट में 5% का बॉन्ड मिल रहा है, और 6 ईयर बॉन्ड मार्केट में 6% का बॉन्ड मिल रहा है, या फिर यील्ड बोल लो 4% यील्ड, 5% यील्ड और 6% यील्ड। अब मान लो बेटा 1 ईयर बॉन्ड मार्केट में कुछ चेंज क्या हुआ बेटा, मान लो डिमांड बढ़ गई, और आपको पता होगा डिमांड अगर बढ़ेगी तो डिमांड कर्व कहाँ जाएगा, जी आपका जाएगा राइट में, तो डिमांड बढ़ गई D1 D1 हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया जी, नया इक्विलिब्रियम आ गया E1, क्या आ गया E1। अब E1 पे देखा जाए तो आपका फंड भी बढ़ गया Q2, लेकिन फंड पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो, आपका इंटरेस्ट रेट बेटा मान लो 4% से बढ़ के 5% हो गया। 1 ईयर बॉन्ड मार्केट में एक छेड़खानी हुई, 1 ईयर बॉन्ड मार्केट में डिमांड बढ़ गई,
और डिमांड के बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट जो 4% था बेटा बढ़ के 5% हो गया। मेरे क्वेश्चन का बस इतना जवाब दो, क्या वन ईयर बॉन्ड मार्केट में जो चेंज हुआ क्या इससे टू ईयर बॉन्ड मार्केट में कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा, वो पहले भी 5 था अब भी 5 है। वन ईयर बॉन्ड मार्केट में जो चेंज हुआ क्या इससे थ्री ईयर बॉन्ड मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा, वो पहले भी 6 था अब भी 6 है। इसका मतलब अगर वन ईयर बॉन्ड मार्केट में कोई चेंज हुआ तो उससे टू ईयर बॉन्ड पे या थ्री ईयर बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई केवल इसमें चेंज हुआ, ये जैसे पहले बने थे वैसे ही बने हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने। ये भी जैसे पहले बना था वैसा बना है, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के अनुसार अगर एक मार्केट में कुछ प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रभाव दूसरी मार्केटों पे नहीं पड़ेगा। वन ईयर बॉन्ड मार्केट अलग है, तो वन ईयर बॉन्ड मार्केट में कोई चेंज आएगा तो उससे दो ईयर या तीन ईयर बॉन्ड मार्केट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए इन डायग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल इस डायग्राम में ही चेंज आपको देखने को मिल रहा है। होपफुली ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गए कि डायग्राम ये बनाए कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी पल्ले पड़ गए। चलो अब तो इस डायग्राम को आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब जरा समझो, यहाँ पे आ जाओ। अब बात करते हैं सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के पीछे के कारण क्या है, यहाँ क्यों, यहाँ पर मतलब यहाँ पे ऐसा क्या कारण है कि दोनों मार्केट को अलग अलग कह रहे हैं कि वन ईयर अलग टू ईयर अलग। तो सुनो, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस को मैं बोलूंगा एक जिद्दी मार्केट, एक जिद्दी हाइपोथेसिस। जिद्दी समझते हो ना कि जिद्दी, स्टबन। तो यहाँ पे याद रखो सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस एक जिद्दी हाइपोथेसिस है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने प्रेफरेंस कर दी कि मेरे को दो ईयर का बॉन्ड खरीदना है तो भाई वो दो ईयर का ही बॉन्ड खरीदेगा, उसको एक एक साल के दो बॉन्ड नहीं खरीदने, फिर चाहे बेनिफिट कितना भी क्यों ना मिले। सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के अनुसार ये मार्केट अलग है, ये मार्केट अलग है। अगर उसको इस वाली मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना तो इसी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा वो। अगर उसको दो साल का बॉन्ड खरीदना है तो भाई वो दो साल का ही बॉन्ड खरीदेगा, वो एक एक साल के दो बॉन्ड नहीं खरीदेगा। भले ही मान लो बेनिफिट ज्यादा मिल रहा हो लेकिन उसका मन नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, वो इस पर टिका रहेगा, वो अपने दो साल के बॉन्ड पे ही टिका रहेगा। तो जब किसी को कोई किसी व्यक्ति को किसी इन्वेस्टर को किसी चीज को खरीदने की कोई प्रेफरेंस होती है कि मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं इसी को परचेस करूंगा, और फिर वो दूसरी चीज को इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसी को सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस इज दैट इन्वेस्टर हैव आगेवर्ड प्रेफरेंसेस। कि भाई सब इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस है कि मेरे को दो साल वाला ही बॉन्ड खरीदना है, मैं एक एक साल वाले दो बॉन्ड नहीं खरीदूंगा। कि इन्वेस्टर के बच्चों क्या है, प्रेफरेंस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके या फिर बॉन्ड को लेके विद पर्टिकुलर टर्म्स टू मैच्योरिटी, कि उसकी कोई प्रेफरेंस है कि भाई मेरे को इतने ही मैच्योरिटी वाला बॉन्ड खरीदना है, मैं इतने ही टर्म वाला इतने ही टाइम वाला बॉन्ड खरीदूंगा, मेरे को दो साल वाला ही बॉन्ड खरीदना है, मैं एक साल का बॉन्ड फिर एक साल का बॉन्ड नहीं खरीदने वाला। That is जिद्दी इंसान। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। आगे बोलता है, सपोज करो यू हैव आइडल कैश, कि आपके पास कुछ खाली कैश पड़ा हुआ है, यू विल नॉट नीड फॉर टू ईयर, और दो साल तक आपको उस कैश की नीड नहीं है, तो क्या करेंगे आप सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के अनुसार, आप क्या करेंगे, आपके पास खाली कैश पड़ा है, आपको दो साल तक उसकी नीड नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए दो साल का बॉन्ड परचेस करेंगे, क्योंकि वो कैश दो साल के लिए खाली पड़ा है। तो आप एक एक साल वाला दो बॉन्ड क्यों लो, आप केवल दो साल वाले बॉन्ड लोगे, भाई टेंशन खत्म। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यू विल हैव प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, कि आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदो, इट मीन्स ऐसा बॉन्ड खरीदो जिसकी क्या हो, टू ईयर की मैच्योरिटी हो, क्योंकि आपके पास जब दो साल के लिए खाली पड़ा है तो आप उसको एक बार में दो साल के लिए इन्वेस्ट करोगे। आप ऐसा नहीं कि भले एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा फिर जो पैसा आया आप अगेन इन्वेस्ट करो। आगे बोलता है, purchasing and holding a two-year bond to maturity is more attractive than buying a one-year bond in first year and again one-year bond in second year. वही बोल रहा है कि दो साल का बॉन्ड खरीदोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू वन ईयर बॉन्ड। फिर मतलब पहले मैं एक साल का बॉन्ड खरीदूँ, फिर मैं उसकी मैच्योरिटी का वेट करूँ, फिर जो पैसा आए फिर मैं उसको दोबारा री इन्वेस्ट करूँ,
तो ये इतना डबल डबल काम क्या करूं, मैं सीधे ही 2 साल का बॉन्ड परचेस करता हूं। तो पहला रीजन बोलता है कि इंसान की प्रेफरेंस के बेस पर काम करता है, उसकी प्रेफरेंस 2 साल वाले बॉन्ड की है तो 2 साल वाला बॉन्ड ही परचेस करेगा, फिर आप उसे एक एक साल वाले 2 बॉन्ड कितने ही बेनिफिट पे क्यों ना दे दो। दूसरा पॉइंट बोलता है इन्वेस्टर ऑल्सो वॉन्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। दूसरा बोलता है इन्वेस्टर एक एक साल के 2 बॉन्ड क्यों नहीं खरीद रहा, उसको 2 साल वाले बॉन्ड क्यों चाहिए, वो एक एक साल के 2 बॉन्ड इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि इससे क्या होगा, जो रिस्क था एक्सपेक्टेड रिटर्न का वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इन्वेस्टर 2 ईयर वाला बॉन्ड खरीदता है तो उसको 5% पर एनएम का फायदा मिलेगा, इट मीन्स पहले साल 5% और दूसरे साल भी 5%। लेकिन इन्वेस्टर पहले अगर 1 ईयर का बॉन्ड खरीदता है और उस पर चलो मान लो मिल गया 5%, तो क्या गारंटी है कि अगले साल जब बॉन्ड खरीदेगा तो उस पर भी 5% ही मिलेगा, क्या पता उस पर 4 मिले, क्या पता उस पर 3 मिले। तो यहाँ पे तो फिर हमारे इन्वेस्टर को लॉस है ना कि पहले साल तो 5 मिल गया लेकिन सेकेंड ईयर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो कम हो गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर का इन्वेस्टर का लॉस हो गया। इसलिए क्या करेगा वो एक ही बार में 5% का 2 साल वाला बॉन्ड खरीद लेगा, अब तो उसको हर साल 5% मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज बॉन्ड सीधे 2 साल बाद ही मैच्योर होगा। तो इससे क्या होता है अगर वो 2 साल वाला बॉन्ड परचेस करेगा एक एक साल की बजाय तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न में जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और तो और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोले तो ऑब्वियस बात है जब वो एक बार 1 साल के लिए खरीदेगा फिर उसको अगेन खरीदना पड़ेगा, उसको अगेन टाइम लगेगा, उसकी अगेन ब्रोकरेज जाएगी, उसका अगेन छोटा सा GST जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इट मीन जब वो री इन्वेस्टमेंट करेगा अगले साल तो उसको थोड़े बहुत खर्चे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से वो 2 साल वाला बॉन्ड परचेज नहीं करेगा। और तो और वही बोल रहा है कि अगर एडवर्स इंटरेस्ट रेट ऑन मूवमेंट कि अगर 5% था एडवर्स नेगेटिव कि वो घट जाए, 5 से घट के 4 इंटरेस्ट रेट एडवर्स हो जाए, 5 से घट के 4 या 3 हो जाए, तो ऐसे केस में उस इन्वेस्टर को अपने रिटर्न का लॉस होगा, अपने बेनिफिट का लॉस होगा, तो एक एक साल वाला 2 बॉन्ड क्यों परचेज करेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के अनुसार 1 ईयर बॉन्ड मार्केट अलग है, 2 ईयर बॉन्ड मार्केट अलग है, ठीक है। अगर किसी को 1 में करना है तो 1 में करेगा, 2 में नहीं आएगा, और किसी को 2 में करना है तो वो 2 में करेगा, 1 में नहीं आएगा, समझ में आपको आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के पीछे का रीजन या फिर कॉजेस। अब जरा समझो आगे, अब बस लास्ट टॉपिक है कि इस मार्केट में बच्चों यील्ड कर्व किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ बना रखा है लेकिन मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा इस मार्केट में यील्ड कर्व कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, द सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड, कि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे फंड की डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है, तो उसके बेस पे हम यील्ड कर्व की शेप को डिटरमाइन करेंगे और टर्म स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करेंगे कि टर्म स्ट्रक्चर क्या आ रहा है या फिर यील्ड कर्व क्या आ रहा है, अब वो कैसे आ रहा है तो आइए मैं आपको उसको सिखाता हूं। तो अब क्या पढ़ रहे बताओ अपन लोग, यील्ड कर्व अंडर सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। चलो तो यील्ड कर्व कैसे बनेगा आओ इसको समझने का अपन लोग यहां पर प्रयास करते हैं, ठीक है। जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, जो यहां पर लिखा मैंने 0, ठीक है बेटा, ये वाला जो डायग्राम पहला वाला इसको मैं मान रहा हूँ ये मेरी 1 ईयर बॉन्ड मार्केट है। कौन सी मार्केट है, यहाँ पे मैं 1 ईयर बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी 1 ईयर बॉन्ड मार्केट है। अब बच्चों ये वाला जो है मेरा, ये बच्चों मेरी 2 ईयर बॉन्ड मार्केट है, 1 ईयर बॉन्ड मार्केट, 2 ईयर बॉन्ड मार्केट, और इसके बगल में एक और जो कर्व बनने वाला है ये, इसको मैं बोलूँगा यील्ड कर्व। यहाँ मैं बनाऊँगा क्या जी, यहाँ बनाऊंगा मैं यील्ड कर्व। अब पहले जरा समझो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो लिखा बच्चों मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने फंड, फंड कितना है, और यहाँ पे लिखा बच्चों मैंने क्या इंटरेस्ट की ब्याज कितना मिल रहा है, फिर यहाँ पे अगेन लिखा मैंने फंड, फंड कितना है, और यहाँ पे लिखा मैंने इंटरेस्ट की ब्याज कितना मिल रहा है। और यील्ड कर्व बच्चों यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आपका आएगा टर्म, टर्म मीन्स क्या, टर्म ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का समय, और यहां पे आपका सेम वही आएगा क्या जी, यहां पे आपका आएगा सेम इंटरेस्ट। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, पहले 1 ईयर बॉन्ड मार्केट को समझो, 1 साल वाला बॉन्ड है भाई साहब, 1 साल वाला बॉन्ड है, और मान लो इस 1 साल वाले बॉन्ड में यह है उस 1 साल वाले बॉन्ड की डिमांड
यह है उस एक साल वाले बॉन्ड की डिमांड और यह है उस एक साल वाले बॉन्ड की सप्लाई। और यहां बच्चों क्या मिल गया जी, यहां पर मेरा आ गया ई माने इक्विलिब्रियम। और यहां मैंने चेक किया तो बेटा मान लो इंटरेस्ट रेट है 4% और नीचे बच्चों आ गया मान लो Q1 है मेरा फंड। तो इसका मतलब कहने का यह कि वन ईयर बॉन्ड मार्केट में कितना ब्याज मिल रहा है जी, वन ईयर बॉन्ड मार्केट में एक साल की बॉन्ड मार्केट में 4% का मेरे को ब्याज देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस चीज को यील्ड कर्व पे शो करना चाहूं तो जरा समझना क्या होगा। यहां पे टर्म ऑफ मैच्योरिटी, बताओ टर्म ऑफ मैच्योरिटी की बात करें तो जब मार्केट वन ईयर की है, वन ईयर बॉन्ड, इट मीन्स टर्म कितना है वन ईयर, एक साल में मैच्योर हो जाएगा, तो यहां पे लिखा मैंने क्या वन। तो जब मार्केट वन ईयर की है तो जरा मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। जब मार्केट वन ईयर की है तो यहां पर बच्चों मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 4%। कितना मिल रहा है जी, यहां पे इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 4%। वन ईयर के मार्केट पे इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है 4%। इतनी बात पल्ले पड़ गई, या फिर 4% मैं इसको थोड़ा शो करता हूं ऐसे, ये कि 4%, तो डॉट डॉट करके मैं इसको लेके आता हूं, ये लो कि वन ईयर की बॉन्ड मार्केट पे मेरे को ये, लो कितना मिल रहा है जी, 4% का इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, 4%, ठीक है। और इसको मैं 1 से मिला दूंगा, ठीक, ये लो जी, एक पॉइंट ये वाला आ गया यील्ड कर्व के अंदर, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा उसको मिटो दूं ताकि आपको 2 ईयर का बॉन्ड समझ में आ जाए, बाकी लाइन वही है। अब बात करते 2 ईयर बॉन्ड की। अब 2 साल वाली बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ, इसकी डिमांड सप्लाई अलग होगी। तो 2 साल वाले बॉन्ड की बच्चों डिमांड है ये, ठीक है, और 2 साल वाले बॉन्ड की डिमांड है ये, और 2 साल वाले बॉन्ड की बच्चों सप्लाई है। मान लो ये डिमांड ये है, सप्लाई ये है, और आपस में यहां पर इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट, ये हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ 2 ईयर बॉन्ड मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ 2 ईयर बॉन्ड मार्केट। अब यहां पे मैंने देखा, बताओ यहां पे इंटरेस्ट कितना है बेटा, मान लो 5%, देखो ये 4 था आपका, है ना, ये 4 था, 5 थोड़ा ऊपर है, और नीचे क्या आ गया जी, नीचे मान लो क्या आ गया, Q1 आ गया, क्वांटिटी ऑफ फंड। अब बताओ 2 साल वाली बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ, 2 साल वाली बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट है 5% और बॉन्ड 2 साल का है। अगर मैं इस चीज को यील्ड कर्व पे शो करना चाहूं तो बताओ 2 साल वाली बॉन्ड मार्केट के केस में इंटरेस्ट, जब 2 साल वाली बॉन्ड मार्केट केस में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, तो एक काम करते हैं इस 5% को यील्ड कर्व पे शो करते हैं, है ना, तो ये 5% में लेके जाऊंगा, तो एक काम करता 4 को भी ले जाता हूं मैं, जो लाइन मैंने मिटोई ताकि समझ में आपको आ जाए। तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया मेरा 5%, और इसको मिलाऊंगा 2 साल वाले बॉन्ड से, क्योंकि 2 साल में कितना है 5%, तो उसको 2 साल की मैच्योरिटी से मुझे मिलाना पड़ेगा। लो जी लो, इसको मिलाऊंगा मैं 2 साल की मैच्योरिटी से, ये आ गया मेरा पॉइंट, जरा देखो एक बार समझो। तो वन ईयर बॉन्ड मार्केट का मतलब है जब 1 साल के बॉन्ड मार्केट है, जब 1 साल की मैच्योरिटी है तो मिल रहा है 4%, तो ये बोला मैंने 1 साल में कितना मिल रहा है 4%, ये पॉइंट आ गया। जब 2 साल की बॉन्ड मार्केट है, जब 2 साल की मैच्योरिटी कितना मिल रहा है कि वहां मिल रहा है 5%, तो 2 साल की मैच्योरिटी कितना आ गया 5%। तो अब मैं जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये जो कर्व अपवर्ड ऊपर गया, दोबारा देख लो एक बार, मैंने इन दोनों को इस पॉइंट को मिलाया, तो ये जो कर बच्चों आपका ऊपर की ओर गया, ठीक है, अच्छा नहीं बन रहा यार, ये जो कर आपका ऊपर की ओर गया बच्चों, इसी को बोला जाएगा यील्ड कर्व। होपफुली यील्ड कर्व समझ में आ गया होगा। और यहां पे यील्ड कर्व कैसे बन रहा है,
कि यहाँ पे आपका यील्ड कर्व बन रहा है अपवर्ड स्लोपिंग, समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके आप भी इसको जल्दी से बना सकते हैं। चलिए, ये तो आपको हो गया यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। तो एक बार अगर आप देखेंगे तो जरा देखिए, ये रहा जो हमने आपको सिखाया, वो पूरी की पूरी कहानी आपकी ये रही, अपवर्ड स्लोप ऑफ यील्ड कर्व। लेकिन यील्ड कर्व बच्चों आपका डाउनवर्ड स्लोप भी बनता है, यील्ड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोप भी बनता है। अब वो कैसे बनता है, तो आओ मैं आपको डाउनवर्ड स्लोप यील्ड कर्व भी सिखाता हूँ। तो आइए वापस हम अपने तीन डायग्राम पे आएंगे और अब यहाँ पे अगेन एक बार डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगेन लिखा मैंने क्या, वन ईयर बॉन्ड मार्केट, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, टू ईयर बॉन्ड मार्केट, और यहां मेरा क्या बनेगा, यहां बनाएंगे अपन लोग बच्चों यील्ड कर्व, ठीक है। यहां पे आपका वही आएगा फंड आएगा, यहां पे आपका जीरो, और यहां पे आपका इंटरेस्ट ब्याज, फिर यहां पे आपका अगेन फंड आएगा, यहां पे आपका जीरो इंटरेस्ट, यहां पे जीरो, यहां पे आपका आएगा टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का समय, और यहां पे आपका आएगा सेम इंटरेस्ट। अब जरा समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब जरा समझने का बच्चों प्रयास करना, यह है वन ईयर बॉन्ड, यह है वन ईयर बॉन्ड मार्केट, यह है टू ईयर बॉन्ड, और यह है यील्ड कर्व। आओ पहले वन ईयर बॉन्ड मार्केट को समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखो भाई साहब, मान लो ये है डिमांड कर्व, ठीक है, और ये है सप्लाई कर्व, और ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्यू वन फंड आ गया। जबकि बात करें तो मान लीजिए यहां पे आपका जो है, चलो यहां मान लो मैंने आपका माना 6% कितना है, ये 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसका मतलब कहने का ये है, एक ईयर की बॉन्ड मार्केट में अगर आप एक साल वाला बॉन्ड खरीदते हो तो आपको 6% का ब्याज, आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा, ठीक से बन जा, आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अभी टेढ़ा बनाइए नालायक, चलो अभी भी टेढ़ा है, ठीक है। अब इस चीज को मैं शो करता हूं यील्ड कर्व में कि बताओ वन ईयर बॉन्ड मार्केट इट मींस क्या, मैच्योरिटी का टाइम कितना है, जी मैच्योरिटी का जो टाइम है जो है एक साल का, और इस एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6%। तो इस 6% को मेरे को यील्ड कर्व पे शो करना पड़ेगा। तो चलिए इस 6% को जो है मैं यील्ड कर्व की ओर लेके चलता हूं, इस 6% को यील्ड कर्व की ओर मैं लेके चलता हूं, ठीक है। यहां बनाऊंगा पहले डायग्राम बन जाए पहले एक बार, मेरा कितना आ गया 6%, और 6% कब, 6% तब जब एक साल की मैच्योरिटी है, कितनी है जी, जब एक साल की मैच्योरिटी है, ये आ गया पॉइंट, ठीक है जी, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। अब टू ईयर बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ, मान लो टू ईयर बॉन्ड मार्केट में ये है डिमांड, ठीक है, और बेटा मान लो ये है क्या सप्लाई, ये डिमांड है ये सप्लाई है, और जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे तो यहां पर बेटा इंटरसेक्ट करे, ये आ गया इक्विलिब्रियम, और यहां पर मैंने देखा फंड है मेरा Q1, जबकि यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है बेटा मान लो घटकर कितना हो गया, वो देखो ना ये 6 था, ये क्या था आपका 6 था नहीं पूरा, तो घटकर क्या हो गया वो नीचे इसके, तो 5 हो गया। तो अब क्या करना है, दो ईयर की बॉन्ड मार्केट है, इट मीन्स टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 2 साल, और 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, जी 2 ईयर की बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, तो उस 2 साल को 5% से मैच कराऊंगा,
तो ये आगे जाएगा जाएगा जाएगा, ये लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऊपर वाला ही मैं मिला ही दूँ, ठीक है जी, और इसको मिलाऊंगा तो 2 साल का बॉन्ड 5% का ब्याज, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट आया ये, एक पॉइंट आया ये। अब जब मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा, जब मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार की शेप मेरे सामने आएगी, और इसी शेप को बच्चों क्या बोलूंगा, इसी शेप को बोला जाएगा यील्ड कर्व। तो यहां पे आपका यील्ड कर्व कैसे बना जी, यहां पे आपका यील्ड कर्व बच्चों बना डाउनवर्ड स्लोपिंग। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि यील्ड कर्व ये बन कैसे रहा है। तो यहां बना डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहां बना आपका अपवर्ड स्लोपिंग। तो सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस में यील्ड कर्व कैसे बनेगा वो भी आपको मैंने सिखा दिया। तो यहाँ पे सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस पूरी होती है कंप्लीट, बट आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बट बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।